इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। स्वागत है दोस्तों एक न्यू ब्लॉग पे। और ये जो ब्लॉग होने वाली है ये होने वाली है ये ट्रैवलिंग ब्लॉग। और हम अभी है समस्तीपुर ये जंक्शन पे, और चलिए सफ़र को शुरू करते हैं। और कहाँ जाने वाले हैं और कैसा जर्नी रहेगा वो भी आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे समस्तीपुर में एक सुविधा है जो अभी लिफ्ट का ऑन रखा है, बाकी बहुत सारा जंक्शन पे है जो ऑफ रहता है। और इधर एटीएम देखो, यहाँ पे एटीएम भी ख़राब है पर एक है ऑन, उसमें लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो चलिए हम लोग लिफ्ट से जाने वाले हैं। डर लगता है इसमें। आराम से आराम से आराम से रहिए, खड़ा रहिए। और अंकल जी है सो डर लग रहा है, आराम से रुक के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे रखिए, पैर आगे रखिए, बस बस। तो हम लोग फाइनली अब आ गए हैं ब्रिज पे, और ये देखिए अभी समस्तीपुर का नज़ारा किस तरह का है। तो दोस्तों हम जो टिकट कटा लिए हैं और ये रहा टिकट, ये आप देख सकते हो। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, और अभी हम लोग है ब्रिज पे आ गए हैं और चलेंगे ट्रेन के पास, जो कि ट्रेन है अभी नहीं आया है और हम लोग आधा घंटा पहले से पहुंच गए हैं। तो चलिए ट्रेन पकड़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज का जर्नी कैसा होने वाला है, और ब्लॉग भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए देखते रहिए हमारे साथ। दोस्तों हम लोग का जो ट्रेन है वो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, तो चलिए उसे बैठते हैं और देखते हैं ट्रेन का किस तरह का नज़ारा है। ट्रेन और ये देख सकते हो लाइट बत्ती जलाते हुए, देखो कितना लोग इधर भीड़ है। दोस्तों समस्तीपुर से ट्रेन खुल चुकी थी और अभी हम लोग हैं बरौनी जंक्शन पे। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बीच का जो ब्लॉग है हम नहीं दिखा पाए आपको, पर चलिए आपको अंदर का दिखाते हैं। और जो हम अभी सफ़र कर रहे हैं वो आप देख सकते हो, ये है बोगी जो कि है हम लोग का जनरल बोगी है, और हम आज पहली बार जनरल बोगी से सफ़र कर रहे हैं, वो भी लंबा दूरी के लिए। और अभी हम लोग समस्तीपुर से सियालदह के लिए सफ़र कर रहे हैं। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और देखिए बरौनी जंक्शन का नज़ारा। यहाँ पे और यहाँ पे 2 अंडा और 2 ब्रेड का 35 रुपया ले रहे हैं। तो चलिए हम भी सोचते हैं एक ले लिया जाए।
अच्छा लग रहा है। पैसा ले लीजिए, पैसा ले लीजिए आप। तो मेरा आ गया, ये रहा। चलिए अब इसको सर्व करते हैं। तो ये रहा, और चलिए अब इसको खत्म करते हैं। चलते हैं। ओ भाई साहब, हमारा सीट को रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों 10:55 हो चुके हैं, और ये रात के, और अभी है हम लोग झाझा जंक्शन पे हैं, और अभी यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई है, और ये देख सकते हैं। और ये रहा हम लोग का गंगा सागर एक्सप्रेस। तो चलिए जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं सियालदह। नहीं, ये है बिथान नगर, और हम लोग को सियालदह का टिकट कटाए थे, पर सियालदह हम लोग को नहीं जाना है। और जो टिकट था वो बिथान नगर का और सियालदह का दोनों सेम ही था, तो हम कहे चलो भाई सियालदह का दे दो, पर हम लोग को बिथान नगर उतर गए हैं। तो ये देख सकते हो, चलिए आपको नज़दीक से दिखाते हैं। करते हैं ये छोटा सा ब्लॉग, ट्रैवलिंग ब्लॉग। आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अच्छे से न्यू ब्लॉग में। और यहाँ पे जो टाइम हो रहा है वो 7:13 हो रहा है, जो कि गाड़ी 33 मिनट लेट थी।